भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ अंबिका माता मनसा देवी की भूमि, अंबाला की धरती से पूरे हरियाणा को राम राम। हरियाणा याने हिम्मत, हरियाणा याने हौसला, और तभी तो हरियाणा धाकड़ है धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। आज अंबाला के आसमान में राफेल के विमान जब उड़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आज मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरे बहुत पुराने साथी, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया, हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बरसी है, मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है, और इसलिए हरियाणा का गांव गांव, घर घर,
एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार। साथियों, जब देश में एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। आज आप देखिए, जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी, कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? मोदी की धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को, फौजियों को धोखा देने का रहा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेस ही भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। हमारे सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों को तो ये कांग्रेसी पूछते तक नहीं थे। हमारे सैनिकों को कपड़े, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भी
ठीक से नसीब नहीं होते थे। उनके पास अच्छी राइफलें तक नहीं थी। उन्हें लाठी देकर कहा जाता था कि आतंकियों की गोलियों का मुकाबला करो। और जब मोदी सरकार में आया तो उसने कहा अब ये नहीं चलेगा। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं जो भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही, और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है तो उन्होंने जाते जाते 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। और वो 500 करोड़ का कागज लेकर के इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं, ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। और जरा गांव गांव पूर्व सैनिक परिवारों को बताइए कि कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है। उन्होंने 500 करोड़ रखा था, हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। अब आप बताइए 500 करोड़ कागज पर लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ, हर परिवार की चिंता की,
और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। साथियों, मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकल के निकला हूं तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाइयों बहनों, विकसित भारत के चार स्तंभ हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन चारों स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। 2014 से पहले के 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ, और ये भी मेरा एक काम करेंगे, जरा मैं आपको पूछता हूं, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए करेंगे। मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे, किसानों को जाके बताएंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे हो रहा है, बताएंगे। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था। कांग्रेस के जमाने में 10 साल में कितना? 7.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना, 10 साल में 7.5 लाख करोड़। और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा, यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया। किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है। साथियों, कांग्रेस ने गन्ना किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज गन्ने का एफआरपी करीब करीब 350 रुपये क्विंटल है, जबकि कांग्रेस की सरकार करीब 210 रुपये प्रति क्विंटल देती थी। ये आंकड़े याद रखना, मुंह तोड़ जवाब देना है झूठ बोलने वालों को। 2014 में जब हम लोग आए तब गन्ने का बकाया करीब 60,000 करोड़ रुपया था, किसान का पैसा था,
उसकी मेहनत का पैसा था। 60,000 करोड़ रुपया बकाया था, जबकि इसी साल हमने 1,14,000 करोड़ की पेमेंट की है। यहां अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी, मैं सिर्फ इसी इलाके का बोल रहा हूं, इसी एक इलाके में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। साथियों, आज दुनिया के सामने भारत सुपर फूड लेकर के गया है। न्यूट्रिशन की दुनिया में दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत भारत में है, और इसलिए ग्लोबली पोषक आहार उसका हब बनाने की हमारे पास ताकत है। यानी जो ज्वार, बाजरा जैसा मोटा अनाज हमारा हरियाणा का किसान उगाता है, उसे मोदी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। और इसलिए हमने सारे देश में एक पहचान बने, इसलिए इस मोटे अनाज को श्री अन्न नाम से पहचान दी है। और हमने पूरे दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया, और इसकी ताकत देखिए। विश्व के लोगों को जब मैं कहता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा होता है, कम से कम पानी में होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, केमिकल और फर्टिलाइजर की दुनिया से दूर होता है, तो दुनिया के लोगों को अचरज होता है। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोजन समारोह रखा था, और देश का प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा, आजादी के बाद ऐसे अवसर बहुत कम आए। लेकिन मजा ये थी कि सारे मेहमानों को खाने में ये हमारा मिलेट परोसा गया था, ये ज्वार बाजरा परोसा गया था। ये सुपर फूड की पहचान मेरे हरियाणा, राजस्थान, ये जो राज्य है, उनके किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई है। साथियों, हम एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना उसको लेकर के आए हैं। हम 2 लाख से ज्यादा गोडाउन बनाने पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनाज के इतने बड़े भंडारण, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हम आलू, प्याज और टमाटर किसानों के लिए विशेष क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, मोदी की एक और गारंटी खेती में ड्रोन क्रांति की है, और इसकी जिम्मेदारी मैं माताओं बहनों को दे रहा हूं। मैं गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रहा हूं, लाखों रुपया का ड्रोन उनको दे रहा हूं, और हरियाणा के कृषि क्षेत्र को जिस तरह यहां की माताएं बहनें संभाले हुए, आप देखिएगा खेती के ड्रोन के इस्तेमाल में भी हरियाणा सबसे आगे रहेगा। साथियों, खेलों की दुनिया में आज हरियाणा का इतना नाम है, तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है।
और मोदी ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के भी दरवाजे खोल दिए। अभी एनडीए में महिला कैडेट्स का जो पहला बैच ट्रेनिंग ले रहा है उसमें बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की बेटियां हैं। साथियों, कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे, ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। साथियों, ये हमारी सरकार है जो अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अदब के साथ स्वदेश लेकर के आई है। ये हमारी सरकार है जिसने साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है और ऐसे प्रयासों से माता गुजरी जी की इस धरती को जरूर गर्व होता होगा। लेकिन कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को ऐसे हर प्रयास से दिक्कत है। भाई और बहनों, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन विकास और विरासत दोनों के विरोधी है। 500 साल बाद इतने लंबे इंतजार के बाद, अविरत संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। पूरा देश राममय हो चुका, पूरा देश राम मंदिर से इतना खुश है, इतना खुश है जिसे लोग समझ नहीं पाते। लेकिन कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नेता आए दिन मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। भाई और बहनों, हमारी सरकार अंबाला की दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। हम यहां के एयरफोर्स बेस को उड़ान योजना से भी जोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही आप अंबाला से दूसरे शहरों के लिए हवाई जहाज पकड़ सकेंगे। पहले मनोहरलाल जी के दरमियान और हम नायम शिव जी के नेतृत्व में अंबाला उत्तर भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। इन सब का फायदा यहां के युवाओं को होगा, उनके लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। ये चुनाव भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, ये चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए है, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो, किसके हाथों में देश सुपुर्द किया जाए,
इसके महत्व वाला चुनाव है। साथियों, 25 मई को आपके यहां चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंटो कटारिया जी हमारी उम्मीदवार है, करनाल से श्री मनोहर लाल जी है और कुरुक्षेत्र से भाई नवीन जिंदल जी, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, सुबह 10 बजे से पहले मतदान कैसे बढ़े, पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प को कैसे घर घर पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीत करके आए और हर परिवार को अपना वोट का अधिकार उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।